यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल द साइंटिफिक हिंदू में। दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इसे उतना ही प्यार देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो पूरा देखिएगा अगर कुछ समझना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा और अभी यहाँ से निकल जाइए। मध्ययुग में पूरे यूरोप पर राज करने वाला इटली नष्ट होने के कगार पर आ गया। मध्य पूर्व को अपने कदमों से रौंद देने वाला उस्मानिया साम्राज्य अब घुटनों पर है। जिनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश साम्राज्य के वारिस बर्मिंघम पैलेस में कैद हैं। जो स्वयं को आधुनिक युग की सबसे बड़ी शक्ति समझते थे, उस रोज के बॉर्डर सील हैं। जिनके एक इशारे पर दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं। जो पूरी दुनिया के अघोषित चौधरी हैं, उस अमेरिका में लॉकडाउन है। और जो आने वाले समय में सबको निगल जाना चाहते थे, वो चीन आज मुंह छिपाता फिर रहा है और सबकी गालियां खा रहा है। एक जरा से परजीवी ने विश्व को घुटनों पर ला दिया। न एटम बम काम आ रहे, न पेट्रो रिफाइनरी। मानव का सारा विकास एक छोटे से जीवाणु से सामना नहीं कर पा रहा। क्या हुआ, निकल गई है कड़ी। बस इतना ही कमाया था आपने इतने वर्षों में कि एक छोटे से जीव ने आपको घरों में कैद कर दिया। और ये सब देश आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं हमारे देश की तरफ, उस भारत की ओर जिसका सदियों से अपमान करते रहे, रोंदते रहे, लूटते रहे। एक मामूली से जीव ने आपको आपकी औकात बता दी। भारत जानता है कि युद्ध अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे ग्लेशियरों की बर्फ पिघलेगी और आज़ाद होंगे लाखों वर्षों से बर्फ की चादर में कैद दानवीय विषाणु, जिनका ना आपको परिचय है और ना लड़ने की कोई तैयारी। ये कोरोना तो झांकी है, चेतावनी है उस आने वाली विपदा की जिसे आपने जन्म दिया है। मैनचेस्टर की औद्योगिक क्रांति और हार्वर्ड की इकोनॉमिक्स संसार को अंत के मुहाने पर ले आई। क्या आप जानते हैं इस आपदा से लड़ने का तरीका कहाँ छुपा है? तक्षशिला के खंडहरों में, नालंदा की राख में, शारदा पीठ के अवशेषों में, मार्तंडेय के पत्थरों में। सूक्ष्म परजीवियों से मनुष्य का युद्ध नया नहीं है, ये तो सृष्टि के आरंभ से अनवरत चला आ रहा है और सदैव चलता रहेगा। इसे लड़ने के लिए हमने हर हथियार खोज भी लिए थे, मगर आपके अहंकार, आपके लालच, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की हठधर्मिता ने सब कुछ नष्ट कर दिया। क्या चाहिए था आपको? स्वर्ण एवं रत्नों के भंडार? यूं ही मांग लेते, राजा बलि के वंशज और कर्ण के अनुयायी आपको यूं ही दान में दे देते। सांसारिक वैभव को त्याग कर आंतरिक शांति की खोज करने वाले समाज के लिए वे सब यूं ही मूल्यहीन थे, ले जाते। मगर आपने ये क्या किया? विश्व बंधुत्व की बात करने वाले समाज को ही नष्ट कर डाला। जिस बर्बर का मन आया वही भारत चला आया, रौंदने, लूटने, मारने, जीव में शिव को देखने वाले समाज को नष्ट करने। कोई विश्व विजेता बनने के लिए तक्षशिला को तोड़कर चला गया, कोई सोने की चमक में अंधा होकर सोमनाथ को लूट कर ले गया, तो कोई खुद को ऊंचा दिखाने के लिए नालंदा की किताबों को जला गया, किसी ने बर्बरता को जिताने के लिए शारदा पीठ टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो किसी ने अपने झंडे को ऊंचा दिखाने के लिए विश्व कल्याण का केंद्र बने गुरुकुल परंपरा को ही नष्ट कर दिया। और आज करुण निगाहों से देख रहे हैं उसी पराजित, अपमानित, पद दलित भारत भूमि की ओर, जिसने अभी अभी अपने घावों को भर के अंगड़ाई लेना आरंभ किया है। किंतु हम फिर भी निराश नहीं करेंगे। फिर से माँ भारती का आंचल आपको इस संकट की घड़ी में छांव देगा। श्री राम के वंशज इस दानों से भी लड़ लेंगे, किंतु मार्ग उन्हीं नष्ट हुए हवन कुंडों से निकलेगा जिन्हें कभी आपने अपने पैरों की ठोकर से तोड़ा था। आपको उसी नीम और पीपल की छांव में आना होगा जिसके लिए आपने हमारा उपहास किया। आपको उसी गाय की महिमा को स्वीकार करना होगा जिसे आपने अपने स्वाद का कारण बना लिया। उन्हीं मंदिरों में जाके घंटा नाद करना होगा जिनको कभी आपने तोड़ा था। उन्हें वेदों को पढ़ना होगा जिन्हें कभी अट्टहास करते हुए नष्ट किया था। उसे चंदन तुलसी को मस्तक पर धारण करना होगा जिसके लिए कभी हमारे मस्तक धड़ से अलग किए गए थे। ये प्रकृति का न्याय है और आपको स्वीकार करना होगा। फिर कहता हूँ, इस दुनिया को अगर जीना है तो सोमनाथ में सर झुकाने आना ही होगा। तक्षशिला की खंडहरों से माफ़ी मांगनी ही होगी, नालंदा की खाक छाननी ही होगी। मंदिरों के घंटानाद से तीव्र साउंड फ्रिक्वेंसी से कई वायरस मर जाते हैं, यह आपने अब स्वीकार करना प्रारंभ किया है। हाथ जोड़कर अभिवादन करना आपने अब शुरू किया है। बहुत जल्दी भारत की छाँव में पूरी तरह आपको आना पड़ेगा, हिंदुत्व की छाँव में आपको आना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा ऐसे वीडियो पाने के लिए। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।